नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उसकी जल को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। अपने बेसिक बायोलॉजी प्लेलिस्ट के हिसाब से बात की जाए तो अपने गुणसूत्र वाला टॉपिक चल रहा था, जिसका चौथा पार्ट आज अपने कंप्लीट करेंगे। उस चौथे पार्ट के अंदर जो मुख्य टॉपिक होगा, मेन टॉपिक होगा, वो होगा ह्यूमन सेक्स डिटरमिनेशन, यानी कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है वो आज अपने पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपने अध्ययन करेंगे कि मानव में गुणसूत्र जो होते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले ही बात की थी कि मानव में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं, जिसके अंदर पिता की बात की जाए, पिता में भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और माता में भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्धकोशिका के रूप में 23 गुणसूत्र भाग लेते हैं और माता के भी 23 गुणसूत्र भाग लेते हैं, ठीक है। जिनमें से जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? अलिंग गुणसूत्र, जिसको कायिक गुणसूत्र भी कहा जाता है, जिनको कायिक गुणसूत्र भी कहा जाता है, ये 22 अलिंग गुणसूत्र और माता के भी 22 अलिंग गुणसूत्र आपस में मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं, यानी जो बालक बालिका उत्पन्न होगी उसके शरीर का निर्माण करते हैं। और ये एक प्रकार से, इसलिए इसको कायिक गुणसूत्र भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? कायिक गुणसूत्र। उसके बाद 23वीं जो जोड़ी होती है, यानी कि टोटल इसमें 23 भाग लेते हैं, 23वीं जोड़ी होती है वो होते हैं लिंग गुणसूत्र। वो क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम, जबकि ये वाले होते हैं ऑटोसोम और इसको एलोसोम भी कहा जाता है, यानी कि लिंग गुणसूत्र को एलोसोम भी कहा जाता है। ये एलोसोम होते हैं और ये होते हैं ऑटोसोम, ठीक है। फिर अगर बात की जाए कि किस प्रकार के गुणसूत्र इसमें भाग लेते हैं, तो यहाँ पे इसको एक्स वाई से दर्शाया जाता है, यानी कि एक जोड़ी जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको एक्स वाई से दर्शाया जाता है, जबकि माता के अंदर लिंग गुणसूत्रों को एक्स एक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है जो एक्स गुणसूत्र होता है वो लंबे गुणसूत्र होते हैं। वो क्या होते हैं? लंबे गुणसूत्र होते हैं। और जो वाई गुणसूत्र होता है वो अपने आप में गोलाकार या फिर बोना गुणसूत्र होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है विशेष तौर पे। अब यदि इन 22 एलिंग गुणसूत्रों के साथ में ये वाले लिंग गुणसूत्र जुड़ जाए, यानी कि पिता का एक्स गुणसूत्र और माता का एक्स गुणसूत्र, पिता का एक्स गुणसूत्र और माता का एक्स गुणसूत्र ये आपस में जब मिल जाते हैं तो एक्स एक्स गुणसूत्र बनाते हैं, यानी कि दोनों ही लंबे गुणसूत्र होते हैं। और जब एक्स एक्स गुणसूत्र बनते हैं तब जन्म होता है बालिका का। किसका जन्म होता है? बालिका का जन्म होता है, यानी कि डॉटर का। और पिता का जब वाई गुणसूत्र, पिता का वाई गुणसूत्र और माता का एक्स गुणसूत्र, पिता का वाई गुणसूत्र और माता का एक्स गुणसूत्र जब आपस में मिलते हैं निषेचन प्रक्रिया के दौरान, तब इसमें एक्स वाई गुणसूत्र बनते हैं, यानी कि
इसके अंदर एक जो गुणसूत्र होगा वो लंबा होगा और एक गुणसूत्र होगा बोना। बोना कौन सा होता है? वही गुणसूत्र। तब जन्म होता है बालक का। किसका जन्म होता है? बालक का, यानी कि सन का। ठीक है। और इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि पिता का जो वाई गुणसूत्र होता है उस पर होलेंड्रिक एक जीन होता है जो मानव के लिंग निर्धारण में यह डिसाइड करता है कि जो बालक उत्पन्न होगा वो बालक ही होगा, यानी कि बालिका उत्पन्न नहीं होती। जब वाई गुणसूत्र होता है उस पर यह होलेंड्रिक जीन होता है तो उस पर पूरी तरीके से डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पर जो जन्म लेगा वो बालक ही होगा। ठीक है। और उसके अलावा ये गुणसूत्र पे ये जीन इतना प्रभावी होता है कि ये जो एग्जांपल होते हैं, यानी कि अपने देखा जाए कान के ऊपर जो हेयर पिन्ना बोलते हैं, यानी कि जो कान के जो बाल होते हैं, कान के ऊपर जो बाल होते हैं, ये इसी जीन के प्रभाव के कारण होता है। यानी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका ये है हेयर पिन्ना। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये बालक के उत्पन्न होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? होलेंड्रिक जीन, ये वाला जीन जो वाई गुणसूत्र पर पाया जाता है। ठीक है। और उसके अलावा अपने बात करें कि मानव के गुणसूत्रों में 23 गुणसूत्र इसके, 23 गुणसूत्र माता के, यानी कि पिता के गुणसूत्र 23 और माता के गुणसूत्र 23, ये आपस में मिलकर यानी यहाँ पे हमने पहले ही बात की थी अर्धकोशिका, अर्धकोशिका पिता से, अर्धकोशिका माता से जब आपस में मिलते हैं तो 46 गुणसूत्र इसमें बनते हैं और ये यहाँ पे संयुक्त कोशिका का निर्माण करते हैं। संयुक्त कोशिका क्या करेंगे? निर्माण, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, यानी भ्रूणावस्था। जाइगोट शुरुआत होती है हमेशा एक ही कोशिका से और उसी एक कोशिका को बोलते हैं संयुक्त कोशिका, जिसमें दोनों का रोल होता है, फादर का और मदर का। ठीक है। और ये संयुक्त कोशिका देखा जाए तो एक सुई के नोक की तरह होती है, बिल्कुल छोटी सी, क्योंकि मानव हो या कोई भी जीव हो, बहुकोश के जीव हो, उसकी शुरुआत हमेशा एक कोशिका से ही होती है। ठीक है। तो ये आपका मानव में गुणसूत्र किस प्रकार से होते हैं ये आप लोग इसमें डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद अपने आगे पढ़ते हैं क्रॉस मेथड से मानव में लिंग निर्धारण। तो आज का मुख्य टॉपिक मानव में लिंग निर्धारण, यानी कि सेक्स डिटरमिनेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अपने ये देखते हैं कि किन वैज्ञानिकों ने गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। सिद्धांत कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अपने ये मायने रखता है कि किस प्रकार के जीवों में लिंग निर्धारण की कौन कौन सी विधियाँ पाई जाती है। तो ये देखिए, स्टीयर और स्टीवंस, इन दो वैज्ञानिकों ने गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था और अलग अलग विधियों के बारे में बताया था कि किस प्रकार के जीवों में लिंग निर्धारण की कौन सी विधियां पाई जाती है। जैसे नर और मादा इसमें भाग लेते ही हैं प्रत्येक लिंग निर्धारण प्रक्रिया के अंदर। नर की बात की जाए तो नर में पाए जाते हैं एक्स वाई गुणसूत्र और मादा में पाए जाते हैं एक्स एक्स गुणसूत्र। यानी कि पहली जो विधि है जिसको लीगियस प्रकार भी कहा जाता है, इसको लीगियस प्रकार बोलते हैं। लिंग निर्धारण की पहली विधि का नाम क्या है? लीगियस प्रकार। और नर के अंदर एक्स वाई गुणसूत्र और मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र, ये दोनों जब भाग लेते हैं तब निर्माण होता है संतान का। एग्जाम्पल है मानव और ड्रोसोफिला जो मक्खी होती है वो। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर पूछा जाए कि मानव जाति में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, लिंग निर्धारण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। उन चार ऑप्शनों में और ऑप्शन भी होंगे, लेकिन सही ऑप्शन होगा ये वाला। इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा एक्स वाई डैश एक्स एक्स, ये विधि पाई जाती है। या फिर नाम से आ जाए तो लीगियस प्रकार की विधि पाई जाती है। ठीक है। दूसरी विधि की बात की जाए
यानी कि नर के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनको जेड कैपिटल जेड कैपिटल जेड के अंदर दर्शाया जाता है, जबकि मादा के अंदर कैपिटल जेड और कैपिटल डब्ल्यू में इसको दर्शाया जाता है। ये विधि किन जीवों में पाई जाती है? जल में रहने वाले जीव, मछलियों में, पक्षियों में और कीटों में, जितने भी कीट होते हैं उन सब में यही विधि पाई जाती है। ठीक है, जैसे तितलियाँ वगैरह हो गई इसके अंदर ही। और उसके अलावा तीसरी जो विधि है, अंतिम विधि है, एक्स नोट है। अगर ये इस प्रकार की विधि पाई जाए जिसको प्रोटेनर विधि भी कहा जाता है, प्रोटेनर विधि, ठीक है। लेकिन नाम की बजाय ये जो गुणसूत्र जो प्रारूप होते हैं, गुणसूत्र जोड़े होते हैं, ये ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल बात की जाए तो अपने जो टिड्डा होता है यानी कि ग्रास होपर, ये इसका एग्जांपल होता है। यानी इनमें से कोई भी अगर पूछ ले जाए कि ड्रोसोफिला मक्खी के अंदर किस प्रकार का जो किस प्रकार की विधि पाई जाती है लिंग निर्धारण की, तो आपको सही ऑप्शन पे ये करना है। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आया भी था एग्ज़ाम में और उसमें यही पूछा गया था कि मानव जाति में जो लिंग निर्धारण है वो किस विधि के द्वारा होता है, तो इनमें से यही ऑप्शन आए थे। इसके अलावा एक और अलग से ऑप्शन आया था, लेकिन सही जवाब क्या था? एक्स वाई और एक्स एक्स। ठीक है, तो अब अपने पढ़ते हैं मुख्य टॉपिक। ये बीच में इसलिए बताया क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर यही से प्रश्न बनते हैं और वैज्ञानिकों के नाम पूछ ले जाते हैं कि गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से थे, तो स्टीयर और स्टीवंस। अब अपने पढ़ते हैं मानव में लिंग निर्धारण। तो सबसे पहले 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े जो अपने पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिसमें लिंग गुणसूत्र होते हैं 2 और अलिंग गुणसूत्र होते हैं 44। ठीक है, लिंग गुणसूत्रों की बात की जाए तो पुरुष के अंदर एक्स वाई यानी एक प्रकार से विषम युग्मकी होते हैं, जिसको हेटेरोजाइगोस भी बोलते हैं, जिनमें से एक गुणसूत्र होगा लंबा, एक गुणसूत्र होगा बोना, यानी कि एक गुणसूत्र होता है इसमें लंबा गुणसूत्र, कौन सा? एक्स गुणसूत्र। ठीक है, और एक होता है बोना गुणसूत्र, एक कौन सा होता है? बोना गुणसूत्र, जो होता है वाई, जिसको गोलाकार भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात की जाए महिला की, तो महिला में भी दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो समान रूप से पाए जाते हैं, एक जैसे होते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विषम युग्मकी यानी कि हेटेरोजाइगोस, जबकि इसको बोलते हैं सम युग्मकी यानी कि होमोजाइगोस। इसमें दोनों ही गुणसूत्र होंगे लंबे गुणसूत्र। ठीक है, दोनों ही गुणसूत्र कैसे होते हैं? लंबे गुणसूत्र होते हैं, ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है, क्रॉस मेथड में भी काम आता है ये। तो ये लिंग गुणसूत्र जो किसका निर्धारण करेंगे? लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, और अलिंग गुणसूत्र काई गुणसूत्र, सोमेटिक क्रोमोसोम, जिसको ऑटोसोम भी कहा जाता है, ये अगर बात की जाए पुरुष एवं महिला में, ये समान रूप से पाए जाते हैं, ये समान रूप से क्या होते हैं? पाए जाते हैं, इनमें कोई भिन्नता नहीं होती, एक जैसे ही होते हैं, पुरुष हो या महिला हो। ठीक है, तो ये लिंग गुणसूत्र, इसमें विभिन्नता पाई जाती है पुरुष के अंदर एक्स वाई जबकि महिला के अंदर एक्स एक्स। ठीक है, अपने पढ़ते हैं इसका क्रॉस मेथड किस प्रकार से होता है, कौन कौन से इसमें भाग लेते हैं और कौन से गुणसूत्र प्रभावी होते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं
सबसे पहले आपको लास्ट क्लास में इस प्रकार के सिंबल मैंने आपको बताए थे। ये सिंबल अगर आप लोग पहचान लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर ये सिंबल ज़्यादा काम में आते हैं। ये जो सिंबल होता है ये नर का होता है, और ये जो सिंबल होता है ये मादा का। यानी यहाँ पे लिंग निर्धारण प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं बापू और माता, यानी कि फादर एंड मदर। ठीक है, हमने देखा था कि इनके अंदर 44 प्लस एक्स वाई, कहने का मतलब 44 गुणसूत्र होते हैं एलिंग गुणसूत्र, जबकि एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है, जो किस में पाए जाते हैं, नर यानी कि फादर के अंदर। ये अपने बात करें मदर की, माता के अंदर, तो माता के अंदर 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, जनक पीढ़ी के अंदर इस प्रकार से गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर उसके बाद इनके बनते हैं युग्मक, आगे जाके इनके युग्मक बन जाएंगे। अब इसके आधे गुणसूत्र इसमें भाग लेते हैं, इसे एचन प्रक्रिया में 22 प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि 44 का आधा कितना हुआ 22, बाकी बचे हुए 22 उसके साथ में 22 प्लस वाई। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि नर में अगर बात की जाए जनन इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शुक्राणु होती है। ठीक है, और मादा में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अंडाणु होती है। शुक्राणु अंडाणु को ही निषेचित करता है, यानी कि फर्टिलाइज करेगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये आधे आधे हो रखे हैं, तो एक प्रकार से इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, यानी कि मियोसिस डिवीज़न हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान फादर यानी कि नर के गुणसूत्र पुरुष के गुणसूत्र आधे आधे गुणसूत्रों में बंट जाएंगे और प्रत्येक जनन इकाई के अंदर चले जाएंगे, यानी कि प्रत्येक शुक्राणु के जो कोशिका होती है उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे आधे आधे हुए थे, वैसे यहाँ पे 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे समयुग्म के प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद यहाँ पे युग्मक निर्माण हो चुका है, यानी कि युग्मक प्रक्रिया हो चुकी है, क्योंकि युग्मकों में ये गुणसूत्र जा चुके हैं। अब क्रॉस मेथड से किए जाए, संकरण विधि यहाँ पे इस्तेमाल होगी। उस क्रॉस विधि के अंदर इन चारों युग्मकों का, चारों जो गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनका डिवाइडेशन हो चुका है, इनका क्रॉस यहाँ पे होगा। यानी सबसे ज़रूरी जो इसका पूरी विधि का जो मुख्य पार्ट है वो यहीं पे है। अगर ये वाले आपको सब कुछ समझ में आता है तो यहाँ पे जो प्रक्रिया है क्रॉस विधि वाली वो भी आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा गौर से देखना आप लोग। अब देखिए 22 प्लस एक्स, ठीक है, अब अपने याद रखना कि शुक्राणु हमेशा ही अंडाणु को निषेचित करता है, फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पे 22 प्लस एक्स, यानी यहाँ पे एक प्रकार से शुक्राणु ही है जो अंडाणु को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। अब देखिए क्रॉस विधि के अंदर सबसे खास बात क्या होती है कि जो संख्या होती है उनका डबल कर दो, यानी कि आपस में जोड़ना ही होता है और इनको बस सीधा लिखना होता है। देखिए 22 प्लस 22 कितने हुए, 44। ठीक है, गुणसूत्र यहाँ पे कौन सा है, एक्स, और यहाँ पे कौन सा है, एक्स, तो 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, और हमने देखा था कि 44 प्लस एक्स एक्स, वैसे गुणसूत्र यहाँ पे भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे निर्माण यानी यहाँ पे उत्पन्न कौन होगी, मुनिया होगी, यानी कि बालिका होगी। ठीक है, अब अगर बात की जाए इसी का ही क्रॉस करना है अगले के साथ में, यानी कि
इसी गुणसूत्र प्रारूप का क्रॉस करना है इस गुणसूत्र प्रारूप के साथ में। याद रखना तीर का निशान हमेशा उस तरफ दिखाना है क्योंकि शुक्राणु अंडाणु को फर्टिलाइज करता है। ठीक है, अब देखिए वही प्रक्रिया होगी क्योंकि वहाँ पे समरूपी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 22 + 22 = 44। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी अपने बात करें तो एक्स है, तो यहाँ पे आ गया एक्स एक्स गुणसूत्र। ठीक है, एक जैसी गुणसूत्र, तो यहाँ पे भी मुनिया उत्पन्न होगी। ठीक है, यहाँ पे भी बालिका उत्पन्न होगी, ये सिंबल है मादा का। अब उसके बाद में देखिए, अब बचा 22 + y। ठीक है, 22 + y, y की सबसे खास बात कि हमेशा नर यानी कि फादर के अंदर ही पाया जाता है, पुरुष के अंदर ही पाया जाता है। तो अब इसका क्रॉस इसके साथ, ठीक है, इसका क्रॉस इसके साथ में। अब देखिए 44 + अब यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y किसके साथ में, x गुणसूत्र के साथ में क्रॉस कर रहा है यानी कि जुड़ रहा है। तो यहाँ पे एक्स वाई, और हमने यहाँ पे देखा था इस प्रारूप के अंदर, तो यहाँ पे कौन उत्पन्न होगा, मुन्ना उत्पन्न होगा यानी कि बालक। ठीक है, यहाँ पे उत्पन्न कौन होगा, बालक उत्पन्न होगा। ठीक है, फिर उसका देखिए, अब इसी का क्रॉस कराना है उसके साथ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे 22 + 22 = 44 वाई और एक्स यानी कि एक्स वाई गुणसूत्र यहाँ पे जुड़ चुके हैं, तो यहाँ पे भी उत्पन्न होगा मुन्ना यानी कि बालक। अब पूरी क्रॉस विधि के अंदर आपको ये याद रखना है कि शुक्राणु हमेशा ही अंडाणु को निषेचित करता है, तो तीर का निशान आप लोग इस तरफ दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 22, अपने यहाँ पे देखा था कि 22 + 22 यहाँ पे 44 होते हैं। अब दोनों में कंडीशन देखिए कि बालिका यहाँ पे इस क्रॉस के अंदर और बालक यहाँ पे इसी क्रॉस के अंदर, तो चांस यहाँ पे क्या है, 50% बालिका उत्पन्न होने के और 85% बालक उत्पन्न होने के, यानी कि एक प्रकार से 50-50% चांस होता है बालक और बालिका उत्पन्न होने के। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस मेथड, ये मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, और एक बात और याद रखना आप लोग, ये यहीं पे लिख देते हैं, बालिका के लिंग निर्धारण में जो उत्तरदायी गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, और बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्रॉस मेथड वाले। तो बालिका गुणसूत्र में लिंग निर्धारण होगा तो किसके द्वारा, माता का एक्स गुणसूत्र और पिता का एक्स गुणसूत्र, ये उत्तरदायी गुणसूत्र होते हैं जो किसके निर्माण में, किसके उत्पन्न होने में सहायक होते हैं, बालिका के। ठीक है, अगर बात की जाए बालक के, तो बालक के अंदर याद रखना है कि बालक के लिंग निर्धारण के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन से गुणसूत्र भाग लेंगे, तो माता का एक्स गुणसूत्र, क्योंकि माता के पास में ये गुणसूत्र होते हैं, कौन कौन से, एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, हमने यहाँ पे देखा भी था, जबकि पिता का वाई गुणसूत्र। ठीक है, यानी अगर देखा जाए एक प्रकार से तो बालक उत्पन्न होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, पिता की होती है, क्योंकि पिता के पास में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, वाई गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये टॉपिक, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो इसको डिनोट करो सबसे पहले, तो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब बारी है उन दो प्रश्नों की जो आपसे पूछे गए थे अंतिम क्लास के अंदर। सबसे पहला प्रश्न ये था कि गुणसूत्र का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। तो इसका सही जवाब है वोल्डेयर। वोल्डेयर ने सन 1888 के अंदर ये नामकरण किया था, जबकि डिस्क्राइब करने वाले और खोजकर्ता करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे स्ट्रॉसबर्गर। और अगर देखा जाए तो सेल डिवीज़न की जो माइटोसिस स्टेज होती है उसके अंदर इन गुणसूत्रों को आसानी से देखा जा सकता है और काउंट भी किया जा सकता है। अगर सही जवाब पूछे कि नामकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे वोल्डेयर। उन्होंने इस विशेष संरचनाओं को देखा, इन रंगीन संरचनाओं का नाम दिया क्रोमोजोम, यानी कि गुणसूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था अननोन क्वेश्चन के रूप में, वो प्रश्न ये था कि किस जीव के अंदर सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है बुल एंट, यानी कि एंट की वो सब स्पीसीज जिसके अंदर सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं। और एक प्रकार से इनका वैज्ञानिक नाम देखें तो इसका नाम होता है मायरमेसिया पाइलोसुला, यानी कि वैज्ञानिक नाम होता है मायरमेसिया पाइलोसुला। अगर इसके अंदर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में ये एक जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि वन पेयर। और इसका मुख्य कारण होता है इसमें फर्टिलाइज जो एग होते हैं, अंडे होते हैं, वो डिप्लॉयड स्टेज में पाए जाते हैं, द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इनके एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगर बात करें मेल एंड की, यानी कि जो नर होता है इसके अंदर, उसमें खाली एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, वन सिंगल क्रोमोजोम, यानी कि केवल एक ही गुणसूत्र। कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें अनिषेचित अंडे होते हैं, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग पाए जाते हैं, जो हैप्लोइड अवस्था में होते हैं, यानी कि अगुणित अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब क्या है, बुल एंट। ठीक है, इसमें सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दो प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बार बार ये जो क्रॉस मेथड है इसका अभ्यास बार बार आप करें, क्योंकि बोर्ड की क्लास के हिसाब से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो ये जो है ये वाले ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, और जो गुणसूत्र निर्धारण की जो विधियाँ होती है, लिंग निर्धारण की जो विधियाँ होती है, वो भी आप लोग याद करना है बढ़िया तरीके से। बार बार अभ्यास करते रहें इसका। और टीचर्स दिवस की जो अध्यापक दिवस है उसकी आपको एडवांस में बधाइयाँ। घर पे आप अध्ययन करते रहें और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर।